हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ रोहित पांडे और आज मैं आपके लिए लाया हूँ वोकैबुलरी पार्ट 6। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है एक्लॉड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पुरस्कार और अवार्ड ऑफ मेरिट। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है, और इसका जो हमने एग्जाम्पल दिया है वो है आज एन एक्लॉड फॉर ब्रेवरी। अगला वर्ड है एकम्पोलिस। एकम्पोलिस मीन्स होता है गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। और इसका आज हमने एग्जाम्पल दिया है द पुलिस इन यूपी वर एबल टू राउंड अप 6 ऑफ हिज एलिस्ट एकम्पलिसेस आफ्टर द क्राइम एंड आर सीकिंग मोर। मतलब पुलिस ने यूपी में 6 आरोपी साथियों को, मतलब गुनाह के साथियों को राउंड अप किया है और उन्हें और भी तलाश है। दे आर टेकिंग मोर। अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है सामंजस्य से, और इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। इसका मतलब समझौता भी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो मंथ्स आफ्टर हिज विजिट इन 1996 पीस अकॉर्ड्स वर साइन। मतलब 1996 में उनकी विजिट के बाद, एक महीने के बाद पीस का मतलब शांति समझौता जो था वो साइन हो गया। अगला वर्ड एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का हिंदी में मीन्स होता है आरोपी, और इसका इंग्लिश में मीनिंग देखिए दिया हुआ है वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। तो लालू यादव वाज एक्यूज्ड इन चारा स्कैम। मतलब लालू यादव जो थे वो आरोपी थे, अंडर ट्रायल थे कोर्ट में चारा घोटाले में। अगला वर्ड है एक्मी। एक्मी का मीन्स होता है शिखर। इसका मतलब आप वर्टेक्स, इसके सिनोनिम्स में आप वर्टेक्स है, पारामाउंट है, पिनेकल है, तो ऐसे वर्ड्स हैं। तो ये सब आप चाहें तो डिक्शनरी या से देख कर लिख सकते हैं। और इसका हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग होता है पीक। आई वॉज एट द एक्मी ऑफ द पिरामिड। मतलब मैं पिरामिड के शिखर पर था। अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट का मीन्स होता है बरी कर देना। डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, मतलब गिल्टी मतलब होता है दोषी, तो दोषी नहीं डिक्लेयर हुए जो, उनके लिए ये यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस। मतलब जो द सस्पेक्ट जो था, जो दोषी आरोपी था, उसको हत्या के चार्जेस से बरी कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। अगला वर्ड है अडाप्ट। अडाप्ट का मीन्स होता है अनुकूल बनाना, और एक और अडाप्ट होता है जैसे बच्चे को अडाप्ट करना, तो मतलब उसको गोद ले लेना। तो यहाँ पर अडाप्ट का मीन्स अनुकूल बनाना है, टू चेंज टू स्विट डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि डिफरेंट इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर लेना। वी मस्ट अडॉप्ट टू बैड वी मस्ट अडॉप्ट टू द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब जो हमारा बैड इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको हमें अपने हिसाब से बना लेना होगा, अपने अनुकूल कर लेना होगा। अगला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। सॉरी, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, प्रोफिशिएंट। पीएम मोदी इज एन अडेप्ट स्पीकर। मतलब पीएम मोदी जो हैं वो बहुत ही अच्छे निपुण प्रोफिशिएंट स्पीकर हैं। और अगला वर्ड है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मीन्स होता है किशोर। वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, मतलब अभी अडल्ट नहीं हुआ है लेकिन वो अडल्ट की तरफ बस बढ़न, अडल्ट मतलब बनने ही वाला है। तो डज द गवर्नमेंट सी एडोलेसेंट्स एंड यूथ एज अ कोहेसिव ग्रुप दैट नीड्स सेपरेट अटेंशन। मतलब कि जो यूथ है हमारा और जो किशोर हैं उनके बीच का, उनका जो कोहेसिव ग्रुप है उनके बीच गवर्नमेंट को एक मतलब अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा, सेपरेट। अगला वर्ड है अडल्टरेशन। अडल्टरेशन मीन्स होता है मिलावट। जैसे कि शादी आप अक्सर सुनते होंगे, होली के समय में जो मावा आता है खोआ, उसमें मिलावट होती है, दूध में मिलावट होती है। तो मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी अडल्टरेशन विल बी ऑन इट्स पीक ऑन अपकमिंग फेस्टिवल। मतलब जो मिलावट होगी वो अपने ऊंचाई पर होगी आने वाले त्योहारों में, क्योंकि हर साल नए नए तरीके लोग मिलावट के खोज लेते हैं। तो
पिछली बार से हमेशा ज़्यादा ही होता है अक्सर। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। उम्मीद है कि आप ये सभी 2 3 4 बार जितनी भी बार आप पढ़कर याद कर सकें याद कर लें, और इसे रोज़ आप एक कम से कम एक बार दोहराएं। अगर रोज़ ना हो सके तो 2 3 दिन में एक बार तो ज़रूर ही दोहराएं। आप इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में रख लें, और जब भी आपके पास समय मिले, आप कहीं घूमने गए हैं, कुछ करने गए हैं, चाय पी रहे हैं, तो आप उसे खोलकर एक बार पार्ट वाइज, जैसे मेरे वो कैप्स हैं, उनको आप देखकर याद कर सकते हैं। तो लगे रहिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एफकैट, एसएससी और रीजनिंग, मैथमेटिक्स या फिर ओकैप से संबंधित कोई भी बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। amazon.com से बहुत ही सस्ते में उन बुक्स को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।